चार हफ्ते अगर आपने ये उपाय किया तो आपका पूरी तरह से पूर्ण रूप से वशीकरण जो खत्म हो जाएगा और आपका जो भी परिवार का सदस्य है या आपका आप खुद सदस्य हैं जो भी है वो पूरी तरह से वशीकरण से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे भक्तों के फ़ोन आते हैं और सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है वशीकरण की कि गुरु जी वशीकरण हो गया है, बाबा जी वशीकरण हो गया, पंडित जी वशीकरण हो गया, पता नहीं क्या क्या। पहले तो भाई मैं आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कुछ प्रश्न पूछते हैं और कई दिन हो जाते हैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ। सवाल अक्सर फ़ोन में सबके उठाने की कोशिश करता हूँ, कमेंट सबके कोशिश करता हूँ, पर हो जाता है कई बार। गुरु महाराज कृपा आपके मैं सभी के जवाब देना चाहता हूँ। वशीकरण की जो बात करते हैं हम, वशीकरण जी हाँ बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, वशीकरण सामान्य क्रिया नहीं होती है। वशीकरण एक तांत्रिक क्रिया है जिसमें हम किसी की भी दूसरे जो बंदा है या बंदी है या जो घर है या परिवार है उसके मस्तिष्क को बांधते हैं। वशीकरण मस्तिष्क का किया जाता है, वशीकरण बॉडी का किया जाता है, शरीर का किया जाता है। तो हम उसके शरीर को उसके मस्तिष्क को बांध देते हैं और वशीकरण में ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि वशीकरण करके आदमी कुछ और नुकसान होता है, नहीं। वशीकरण से केवल और केवल क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा है उसके क्रियाकलापों को हम नियंत्रण में कर लेते हैं। वशीकरण ऐसी क्रिया है जो कि पूर्ण रूप से तांत्रिक क्रिया है, मांत्रिक क्रिया नहीं है। वशीकरण कभी भी जो साधु होते हैं, संतगण होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो चेले होते हैं वो नहीं करते हैं। वशीकरण हमेशा तांत्रिक ही किया करते हैं और ये वो क्रिया है जो शायद समाज में नहीं करनी चाहिए किंतु लोग करते हैं केवल अपने फायदे के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वशीकरण की जो एक क्रिया, इस क्रिया से आप कैसे बच सकते हैं, इसकी काट कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा से सभी भक्तों को एक ही बात कहता हूँ, आपने किसी पे हज़ारों रुपए दिए, लाखों रुपए दिए, मुझे नहीं पता, बस मैं एक चीज़ जानता हूँ, अगर भूख आपको लगी है तो आपको ही खाना खानेंगे तभी आपका पेट भरेगा, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। इसी प्रकार अगर आपको प्रॉब्लम है, आपकी समस्या है, तो भैया कर्मकांड भी आपको ही करने पड़ेंगे। आप किसी को पैसे दे दो वो कर्मकांड कर ले, असर होगा पर उतना नहीं होगा जितना आपके एक बार के करने से हो जाएगा। तो इसीलिए समस्या आपकी है, आप खुद से स्वयं से उपाय करें। हाँ ये ज़रूर है, मैं ये भी नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा घोर तांत्रिक उपाय कीजिए, क्यों, क्योंकि उससे कई बार खतरा भी बना रहता है। मैं कोशिश करता हूँ बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से, जाहरवीर महाराज के आशीर्वाद से, कि इस चैनल के माध्यम से मैं छोटे छोटे और बिना खर्चे वाले, बहुत ज़्यादा खर्चे किए बिना मैं उपाय बताऊँ जिससे आपके कुछ फ़ायदा हो सके, आपको कुछ लाभ हो सके। तो आज हम बताने वाले हैं इसमें वशीकरण का, कि आप वशीकरण को किस तरह से काट सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि गुरु महाराज के और जो ये ख्याति है हम घर घर तक पहुंचा सकें और जो लोग परेशान हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपना हल के लिए अपना उपाय कर सकें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है संन्यास इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जाहरवीर महाराज की, जय धाम आहार की, जय मेरे सरकार तेरी सदा, जय बागड़ की सरकार की सदा ही जो। तो स्वागत है सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो गुरु महाराज कृपा चलता है, आप सभी के प्यार से आशीर्वाद से, प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो आज हम बात कर रहे हैं वशीकरण की। वशीकरण एक तांत्रिक क्रिया, मैंने पहले ही बता दिया। इसका उपाय जब हम करते हैं तो मंत्र क्रिया से करते हैं, किंतु मंत्र क्रिया में भी हमें थोड़ा सा जो करना पड़ता है, एक छोटा सा टोटके का तरह, कहते हैं ना टोटके होते हैं जो, छोटा सा टोटका करना पड़ता है। होता क्या है, देखिए मैं यहाँ जितनी भी क्रिया बताता हूँ सब गुरु महाराज के आशीर्वाद से, चरणों से फलीभूत होती हैं, ठीक है। तो हमें जो क्या करना है, हमें भभूत वाली क्रिया तो करनी ही करनी है, क्योंकि भभूत में ही सारी ताकत है, उसी में ही सारा आशीर्वाद है मेरे महाराज का। किंतु साथ में छोटा सा टोटका करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो संतुष्ट होता है और हमारी क्रिया का फल ज़्यादा हमें प्राप्त हो जाता है। अब करना क्या है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ऊपर वशीकरण किया हुआ है, किसी ने आपके परिवार में किसी के ऊपर वशीकरण किया है, तो जिसके ऊपर वशीकरण हुआ है उसके साथ ये उपाय करना है आपको, ठीक है। आपके ऊपर हुआ है तो खुद के साथ करना है, दूसरे के ऊपर हुआ है तो उसके साथ करना है। करना क्या है कि जिसके ऊपर भी वशीकरण हो रखा है उसको बैठाएंगे, उसको बैठा के उसके साथ में बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम का धुनी लगाएंगे, बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम की धुनी लगाएंगे। धुनी में मैंने आपको जैसे पहले बता रखा है,
चैनल का लिंक मैं वीडियो का लिंक सब्सक्रिप्शन डिस्क्राइब में दे दूंगा, जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें चैनल का वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसपे आपको धुनी कैसे लगाएं मिल जाएगा। मैं सूक्ष्म में यहाँ भी बता देता हूँ, आपको गाय या भैंस के गोबर का उपला लेना है, उपली लेके उसको अपने गैस पर या चूल्हे में बिल्कुल लाल कर लेना है, और लाल होने के बाद में जब वो एकदम लाल हो जाए उसको किसी भी मिट्टी के पात्र में रख लेना है या बर्तन में रख लेना है, और बर्तन में रखने के बाद उसके ऊपर देसी घी की आहुतियाँ देनी है, कम से कम 5 आहुति देनी है देसी घी की। देसी घी की आहुति देने के बाद उसमें 2 जोड़े लौंग, यानी कि 1 लौंग 2 लौंग, 2 लौंग का 1 जोड़ा बनता है, तो ऐसे ऐसे 2 जोड़े लौंग उसके ऊपर आहुति देनी है। उसके बाद में उसके ऊपर आपको सामग्री की 5 आहुतियाँ देनी है, ओम गो गोरखनाथाय नमो नमः करते हुए, ओम गो गोरखनाथाय नमो नमः कहते हुए उसके ऊपर 5 आहुतियाँ देनी है सामग्री की। इसमें अग्नि नहीं लगाइए, ध्यान रखिएगा, अग्नि नहीं लगाइए तो उससे क्या होगा, जैसे आप ये सब करते हैं तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पावन धुआं निकलने लगता है, और जब वो धुआं निकलता है उसके अंदर से तो उस धुएं को जो भी जिसके ऊपर वशीकरण किया हुआ है उसके ऊपर इस तरीके से धुआं पूरे शरीर में चारों तरफ उसके घुमा देंगे धुएं को, और उस धुएं को उसके ऊपर डाल देंगे और चारों तरफ घुमा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो भी पापात्मा जो भी चीज़ चल रही है, जो वशीकरण किया हुआ है, उसके बंधन खुल जाएंगे। उसके ऊपर ऐसे करके आप धुआं चारों तरफ से गोल 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 घुमा देंगे। धुआं घुमाने के बाद में आपको क्या करना है, 5 टुकड़े तोड़ने हैं कलावे के, जो कलावा होता है ना आपका, हाँ, उसके 5 टुकड़े तोड़ने हैं। 5 टुकड़े तोड़ने के बाद में उन टुकड़ों को देसी घी में आपको भिगो लेना है। भिगोने के बाद उनको एक टुकड़ा हाथ पे रखना है ऐसे, और उसके ऊपर से जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो ऐसे करके ऊपर से आपको एक टुकड़ा 7 बार और 5 टुकड़े 7-7 बार आपको उतार लेने पूरे शरीर पे से। उसके उतारने के बाद में उन टुकड़ों को उठा के एक जगह डाल देना है और उनमें आग लगा देनी है। ध्यान रखिएगा वो ऐसी जगह डाल के आएँ आप, ऐसी जगह आग लगाएं उनके अंदर जो आपके नॉर्मली पैरों में ना पड़े, हाथों में ना पड़े, कहीं ना पड़े, ठीक है। इतना सा आपको ये उपाय करना है, और इस उपाय को करने के बाद आपका जो वशीकरण है वो टूटना शुरू हो जाएगा। पहली बार करें, ठीक है, फिर अगले हफ्ते करें, एक हफ्ते में एक ही बार करें, फिर उससे अगले हफ्ते करें, 3-4 हफ्ते अगर आपने ये उपाय किया तो आपका पूरी तरह से पूर्ण रूप से वशीकरण जो खत्म हो जाएगा, और आपका जो भी परिवार का सदस्य है या आपका आप खुद सदस्य हैं जो भी है वो पूरी तरह से वशीकरण से मुक्त हो जाएगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ थोड़ी सी बाहर, क्योंकि आज मैं घर में दिन में वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ भारी आवाज़ें भी आएंगी, आप कृपया करके उनको इग्नोर करें और मेरी बात को सुनें, और इसी तरह से अपने वशीकरण की जो क्रिया है इस क्रिया को पूरी रूप से पूर्ण करें। बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज, बाबा जाहरवीर महाराज आप सभी पर कृपा करेंगे। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जाहरवीर महाराज।